नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी सोच और उसकी सादगी से होती है। चाहे आप कितना भी नाम और पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो लोग हमेशा ही आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ भी। सारा अली खान हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि वो अपने इंटरव्यूज में बेहद नम्रता और समझदारी के साथ सवालों के जवाब देती हैं। सारा ने बेहद ही कम वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम और मुकाम भी हासिल कर लिया है। सारा ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में सारा के ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आए। लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफें भी की। फिल्म के अलावा सारा अली खान सोशल मीडिया के जरिए भी काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। आए दिन वो अपने स्टाइलिश ड्रेसेस में फोटो शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा वो कई बार बड़े डिजाइनर्स के लिए शो स्टॉपर भी बन चुके हैं। सारा का स्टाइल स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रहता है। सारा को अक्सर सलवार कमीज इंडियन अटायर में देखा जाता है क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटौदी परिवार के इस बेटी को ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अक्सर इतनी बड़ी हीरोइन के वार्डरोब में महंगे महंगे कपड़े ही होते होंगे, लेकिन सारा अली खान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने सरोजनी नगर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये एक फ्ली स्टाइल मार्केट है जहां ट्रेंडी कपड़े सस्ते दामों में मिलते हैं और इसी वजह से ये मार्केट दिल्ली वालों के बीच खूब पॉपुलर है। लेकिन खास बात यह है कि हम लोग ही नहीं बल्कि सारा भी इस मार्केट की दीवानी है। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान बेहद ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करती है। सारा को सबसे ज्यादा पसंद सलवार कमीज पहनना है। सारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उन्हें दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट से कपड़े खरीदना पसंद है। दरअसल सारा ने हाल ही में एल इंडिया मैगजीन को अपना एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यही नहीं, उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि उनके पास ज्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं है। वह दिल्ली की फेमस और सस्ती मार्केट सरोजनी नगर मार्केट से सलवार कमीज पहनकर खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जूतियां पहनती हूँ जो मेरी इनकम में ही मैं खरीद पाऊँ। सारा की बात करें तो फिल्म कुली नंबर 1 फ्लॉप रही, लेकिन उसके फ्लॉप होने के बाद सारा अली खान फिल्म अतरंगी रे में नजर आने वाली है। इस फिल्म में सारा अली खान के साथ अक्षय कुमार और धनुष मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सारा अली खान इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस ने सारा अली खान से पूछा भी कि क्या उन्हें नहीं लगता कि अब उन्हें सिर्फ महिला केंद्रित फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड रहा है। लेकिन इस पर सारा अली खान ने बहुत ही अलग अंदाज में जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती क्योंकि मेरे लिए ये सब नहीं रहा है। मेरे लिए मेरा करियर कभी भी ऐसा नहीं है कि चलो आज कमर्शियल फिल्म करते हैं, कल सीरियस करते हैं, या परसों सोलो फिल्म करते हैं, या रणवीर सिंह के साथ फिल्म करते हैं। ऐसा नहीं होता। मेरे लिए हमेशा ये होता है कि अगर कोई मुझे कोई कहानी सुनाए, एक स्क्रिप्ट सुनाए और मुझे वो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर चाहे कहानी में मैं अकेली हूँ या मेरा उस कहानी में एक छोटा सा किरदार है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। दिन के आखिर में मैं केवल अच्छी और सही कहानियाँ ही सुनना और सुनाना चाहती हूँ। तो इससे मालूम होता है कि सारा अली खान बेहद इंटेलिजेंट हैं और साथ ही में एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना भी पसंद करती हैं और यही कारण है कि लोग उनकी बहुत तारीफें करते हैं। लेकिन आपको सारा अली खान का अंदाज कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।